अगर किसी के ऊपर गिरती ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। मैंने सोचा कि ये सब हो रहा है तो होने दो। और मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और अभी ना मैं नहाकर आया हूँ 12 बजे, क्योंकि 9 बजे मैं उठा था। उसके बाद मैंने वर्कआउट किया, और जैसा कि मुंबई में ना बरसात का मौसम आ चुका है, आज थर्ड डे है जो बरसात हो रही है। परसों रात में हुई थी, कल हुई रात में, और अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो ये देखिए, बरसात में ना ऐसे कपड़े वपड़े पड़े रहते हैं घर में, क्योंकि बाहर तो हम डाल नहीं सकते। और ये देखिए, पूरा मैसी पड़ा है। देखिए कितना सब कुछ सामान भरा पड़ा है इसके कंप्यूटर टेबल पर मेरे। ऊपर देखिए, नीचे देखिए, सब कुछ भरा पड़ा है। और मैं आप लोगों को ना एक बात और बताऊं, क्योंकि अभी जैसा कि तूफान मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अभी मैं दिखाता हूँ, बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो चेयर है वो ऊपर से किसी की गिरी है। और अगर ये पहले यहाँ पे गिरी और फिर यहाँ पे टूटने के बाद में यहाँ पर इसके पार्ट्स गिर चुके हैं। तो अगर किसी के ऊपर गिरती ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता, लग जाती बेचारे को, बहुत ही भयंकर वाली। और वो देखिए सामने आपको क्या टांग रही नहीं, वो तो गिर रही है। ये देखिए, अभी जैसे कि एकदम हवा एकदम मस्त वाली चल रही है ना, तो किसी ने बच्चे ने नीचे वाले फ्लोर पे जो कैरी बैग होता है ना, जिसमें भाजी वीजी लाते हैं, तो वो धागे में बांध के उसको उड़ा दी थी। जैसे बचपन में हम लोग भी ऐसे धागा बांध देते थे, उसमें जिस हवा आती थी ऐसे पतंग के जैसे हम उसको उड़ाते थे, तो वैसे ही उड़ा रहा था। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ है वो नीचे वाले, ये ब्लैक पॉलीथिन है उसकी, कैरी बैग है। और हवा आप लोग देख ही सकते हैं कितनी तेज चल रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। और अभी तो पूरा सामान ही तहस नहस हो गया था, पूरा इधर से उधर सब कुछ उड़ गया था। ये आपको देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये काम भी
ये देखिए ये कैरी बैग है ना, ये है और भी वो देखिए एक वो रही, देखिए ये है। तो ये ऐसे ही लोग खेल रहे हैं, मतलब ऊपर भी है और एक नीचे से, मतलब यहाँ से नीचे वाले है उसके नीचे से। तो बच्चे ने किया था तो खेल रहे थे वो लोग ऐसे उड़ाते। तो गाइस ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा है अपने इधर तो, कि बरसात बहुत ज़्यादा है और बरसात नहीं हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसके लिए लाइट भी बंद है। रात से ऐसे प्रॉब्लम चालू है लाइट का, 10 मिनट के लिए आ जाती है बंद हो जाती है चली जाती है, आना जाना चालू ही है और अभी भी नहीं है लाइट। ये देखिए गाइस एक तो लॉकडाउन, ऊपर से लाइट नहीं, तो लोग करेंगे क्या। वो देखिए एक अंकल अपने बच्चे के साथ और अपनी वाइफ के साथ बलून में बांध दिया है धागा, लेकिन ये बलून तो नीचे जाएगा, ये थोड़ी ऊपर। ये देखिए सभी लोग बाहर बैठ गए हैं देखिए, और इधर भी देखिए ये भाई भी बैठा है, नीचे नहीं है, सब लोग अपनी बालकनी में आके खड़े हो गए हैं। वो अंकल के ऊपर देखिए, वो अंकल दूसरे अंकल, ओह माय गॉड क्या करके छोड़ेगा तूफान। ये देखिए भाई कितना तूफान आ रहा है, खतरनाक वाला तूफान है, इसलिए लाइट भी बंद है। और ऊपर देखिए बादल भी हो रहे हैं काले काले। ये देखिए गाइस कितना आतंक मचा हुआ है, लाइट तो है ही नहीं सुबह से, बाकी देखिए तूफान ने पूरा आतंक मचाया हुआ है। ये देखिए आवाज़ देखिए आप लोग, और नीचे तो कुछ पेड़ वगैरह भी टूट चुके हैं। नींद होगी पूरी, सात बज चुके हैं और पूरा दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा वेस्ट गया मेरा आज का। वो कहते हैं ना जिस दिन हम कुछ करने की सोचते हैं वही काम हो नहीं पाता है, पूरा वेस्ट चला गया, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, लाइट तो है ही नहीं सुबह से, साथ में बरसात भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये सब हो रहा है तो होने दो, और अपने फ़ोन में भी अब ज़्यादा बैटरी बची नहीं है, तो अभी मैं पी रहा था अपनी कॉफ़ी।